हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर वुमेन्स पैंट की कटिंग करना बताऊँगी। कुछ लोग इसे ट्राउज़र पैंट भी कहते हैं, और इसमें मैं आपको पॉकेट यानी जेब की कटिंग करना भी बताऊँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पैंट कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इस पैंट की कटिंग आपको बताती हूँ। इस पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इस पैंट की कटिंग करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कपड़े को फोर्थ फोल्ड कर लिया है पहले से। आप भी इसी तरीके से अपने कपड़े को फोर्थ फोल्ड कर लेना है। और ये ध्यान देना है कि जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो बीच में एक भी श्रिंक ना हो। उसके बाद सबसे पहले हमने अपनी लंबाई यानी पैंट की लंबाई जितनी हमें रखनी है उस पर निशान लगा लेंगे। इस पैंट की टोटल लंबाई हमें 37 इंच यानी 37 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 33 इंच पर निशान लगाया है। जब इसमें हम 2 इंच की बेल्ट को अटैच करेंगे तो ये तैयार पैंट हमारी 37 इंच आ जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैंट की लंबाई यानी लेंथ का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर कमर पर निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से अपने कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। इसके बाद क्रोच यानी आसन का निशान लगाना है। इस तरीके से टेप को रखना है और 15 इंच पर निशान लगा लेना है, यानी कि 15 इंच पर यहाँ पर हमने क्रोच का निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब हम इस पैंट की बॉटम का निशान लगाएंगे। तो मैंने इस पैंट की बॉटम का निशान 6 इंच पर लगाया है। आप अपने हिसाब से अपने पैंट के अकॉर्डिंग बॉटम का निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। आप भी इसी तरीके से अपने पैंट की बॉटम का निशान लगा लें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान पहले से लगा लिया था। आप भी लगा लें और हल्की सी यहाँ पर गुलाई दे दें। अब हम पैंट की बॉटम में 4 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है। पहले हमने 6 इंच पर निशान लगाया था, हमने 4 इंच का मार्जिन ऐड किया, ये हमारे पैंट की सिलाई में चला जाएगा। अब हम इस तरीके से पैंट की नी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नी की लंबाई 10 इंच रखी है। तो 10 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने इस तरीके से टेप को रखना है और 7 इंच पर यानी नी की गोलाई पर निशान लगा लेना है। नी लंबाई और नी की गोलाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से टेप को रखेंगे और निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने क्या करना है कि आपस में सारे निशानों को मिला देना है। यहाँ पर हमारे पैंट के पूरे निशान लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इस पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए हम इस पैंट की कटिंग कर लेते हैं। और आपने देखा ये कितनी इजीली से निशान लग चुके हैं हमारे। आप भी इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। और ये जब आप इस पैंट की स्टिचिंग करेंगे तो उसके बाद ये पैंट बनकर बोरिंग के साथ बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं हमने अपने पैंट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस साइड से इसे अलग कर लेना है, मतलब कि यहाँ से भी इसे हमें कट कर लेना है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें यहाँ से भी इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से पैंट की कटिंग कर ली है। आप भी इसी तरीके से पैंट की कटिंग कर लें। ये देखिए, ये हमारे पैंट्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे 2 पीसेस और ये हमारे 2 पीसेस हो गए हैं। और गाइस, पैंट कटिंग करने का ये सबसे आसान तरीका है। इसी तरीके से आप भी पैंट की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमने इस पैंट की बेल्ट की कटिंग करनी है। तो चलिए हम इस पैंट की बेल्ट की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए जो पैंट का कपड़ा बचा हुआ था, हम उसी में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से इसे हम 4th फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर बेल्ट हमें चाहिए 3 इंच की,
ये देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट 3 इंच रखनी है, तो इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 18 इंच, क्योंकि हमारे पैंट की जो कमर की लंबाई थी वो 11 इंच थी। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लूँगी, बाद में कट कर दूँगी। तो ये देखिए हमने यहाँ से अपने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीच से भी इसे कट कर लेंगे, तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। आप अपने तरीके से भी बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट की कटिंग बहुत ही इजी होती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कटे हुए बेल्ट को रखेंगे और हमारे कमर की लंबाई जो 11 इंच थी हमने इस तरीके से 11 इंच पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया है और हमने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारे पैंट की जो कमर की लंबाई थी वो 11 इंच थी। अब हम अपने पैंट की जेब की कटिंग करेंगे, यानी पॉकेट की। तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंच लिया है लंबाई और चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर इस पैंट में मैं एक ही पॉकेट लगाऊंगी तो हमने एक ही पॉकेट की कटिंग करनी है। और यहाँ पर मैंने पूरे 8 इंच ले लिए हैं और इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको। अब हमने इस निशान को आपस में मिला देना है। आप चाहें तो पॉकेट के दोनों पार्ट्स को एक साथ में रख कर कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसे इस साइड पर हल्की सी गुलाई दे देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। हमने जिस तरीके से निशान लगाया है उसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। और गाइज मैंने इसके दूसरे पार्ट को पहले से कट करके रखा हुआ था। ये देखिए ये हमारे एक साइड के पॉकेट की कटिंग है। इसी तरीके से अगर आपको दोनों साइड में पॉकेट लगाना है तो दोनों साइड के पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है।